हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अगेन एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज है हमारे यहाँ पूजा, यानी तुलसी जी का जो विवाह होता है वो तो हो चुका, आज है विदाई। सो मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करूँगी, किस तरह से हमारे क्या होता है, क्या हमारे यहाँ बनता है, कैसे पूजा होती है। तो जस्ट वही मैं नहा चुकी हूँ, जस्ट जा रही हूँ किचन में सारी प्रिपरेशन में। हमारे यहाँ कुछ खास नहीं बनता है आज। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे चावल की जो पिन्नी होती है वो बनती है, पूड़ियाँ बनती हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और फुल डे आज आप मेरे साथ रहने वाले हैं। हम लोग यही पास में एक बहुत छोटा सा मेला लगता है, मतलब बहुत छोटा सा, तो आज मैं आप लोगों को वहाँ भी लेके जाने वाली हूँ कि किस तरह से एक हाई फाई उससे निकल के आप छोटे से उसमें भी जाके देखिए, काफ़ी मज़ा आता है। और ये है, देखिए इधर आप देख सकते हैं इनको कैसे, इधर देखो क्रिशु, ए क्रिशु, क्रिशु, ए क्रिशु, हेलो बोलो क्रिशु, ए क्रिशु, इधर देखो, हेलो बोलो बाबू, हेलो बोलो, हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग, बोलो मैं देख रहा हूँ अपना, आज मेरा हॉलीडे है, बाय बाय। सो क्रिशु जो है अपना पूरा जो है वो देखने में बिजी है, यूट्यूब देखने में बिजी है, उसमें जो भी आता है। तो चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किचन में। सो वेलकम बैक माय किचन, और आज फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं किचन में आप लोगों से बात कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो आटा सान के रख लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सन में मैंने आटा सान के रख लिया है, ये आटे का पट्टा है। मैं आटे को बहुत ज़्यादा नहीं गूंथती हूँ, उसे रख देती हूँ, देन उसके बाद सेट करती हूँ। तो अब मुझे बनानी है 60 पूड़ियाँ, यानी 60 पूड़ियाँ, और उसके बाद जो भी प्रिपरेशन होंगी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, पूड़ी बनाते हैं और उसके फिर घर का और काम करते हैं। तो मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने, फटाफट से सारी बर्तन लेके आती हूँ। ये मेरा बेलन, ये मेरी कढ़ाई, और इसे गैस पे चढ़ाना है।
पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। और पूजा की तैयारियों भी, अभी मम्मी से पूजा करने गई है मेरी नीचे, तो वो मंदिर नीचे ही है हमारा, तो वहाँ से वो सारा पूरा का पूजा का सारा सामान लेके आएंगे, देन हम उसके बाद पूजा करने जाएंगे। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं अपना सारा खाना फिनिश कर दूँ। तो पूड़ियाँ मैंने पूजा वाली 60 बनाई हैं, उसके अलावा जो बड़ी वाली पूड़ियाँ हैं वो खाने के लिए बनाई हैं। तो अब मैं बनाऊँगी सब्जी और चावल, सो मेरा पूरा खाना रेडी हो जाएगा, यानी आज का जो हमारा लंच है सबका, सब्जी चावल एंड पूड़ी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं किसकी सब्जी बना रही हूँ। तो आज जस्ट मैं यहाँ पर बना रही हूँ गोभी, गाजर, मटर और आलू। आई थिंक ये विंटर की सबसे बेस्ट सब्जी, आई थिंक सबके यहाँ बनती होगी ये जो मिक्स वाली है। और मैं इसे रसेदार बनाऊंगी, यानी कि जो गीली वाली तरी वाली होती है वो बनाऊंगी। पूड़ी और चावल के साथ खाने में सही रहेगा, ड्राई एक्चुअली में दाल के साथ सही रहता है। तो ये वाली आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, और आई थिंक विंटर में ये सबके यहाँ बनती होगी। मिक्स वेज जो है वो जो सूखी वाली है, ड्राई वाली है वो बनती है, और ये भी बनती होगी। तो चलिए सब्जी बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसे कुकर में ही बनाऊंगी, क्योंकि कुकर में ही बनाना इजी रहेगा। इसे एक तरफ चाय बन रही है, तो मैंने सोचा उसके बाद मैं चाय भी पीने वाली हूँ। और आप सबको पता है कि ये जो बन रहा है लंच, ये मैं नहीं खाऊंगी। मैं अपना लंच आज बनाऊंगी, क्योंकि फेस्टिवल है तो दाल तो नहीं बनेगी। तो आज मैं लंच में खाने वाली हूँ पोहा। पोहा खाऊंगी, मूसली खाऊंगी या फिर दलिया खाऊंगी विदाउट शुगर। तो इस तरह से मैं अपना लंच फिनिश करूँगी आज, और ये सब नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, जैसे कि पहले मुझे काफ़ी पसंद था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कट किया अपनी डाइट से, तो आज की डेट में अब मुझे इतना नहीं पसंद है कि मैं इसे बिल्कुल ना नो बोल पाऊँ, और फिर मेरा मन भी करे अंदर से खाने का, उसके बाद मैं ज़्यादा खा लूँ क्रेविंग के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है, मैं इसे जस्ट, मुझे इतना पसंद भी नहीं है। सो ये मैं अपना लंच, इसके बाद अभी मैं लंच अपना नहीं रेडी करूँगी, लंच में तब रेडी करूँगी जब मुझे खाना होगा। साथ में चलता है मेरा गर्म पानी, जैसे जैसे मैं खाना बनाती हूँ पीती जाती हूँ। तो अभी सब बने की सब्जी, और सब्जी के बाद हम जाएंगे पूजा करने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी। रेडी, और इसके बाद मैं जाऊंगी पूजा की तैयारी करने, और देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो दिस इज़ माई डाइनिंग एरिया, यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, और आपने बहुत से देखा होगा यहाँ पे मैं वीडियो भी शूट करती हूँ। एक दिन मैं आप लोगों को हाउस टूर भी करवाऊंगी, लेकिन अभी उसमें टाइम है, तो जस्ट एरिया बाई एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, ये है मेरा वॉलपेपर जहाँ पे आप मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से वीडियो शूट करते हैं। एक ये है, और एक नीचे रूम है जो मेरा स्टूडियो, मतलब मैंने थोड़ा बहुत बना के रखा है, तो उसका भी एक वीडियो कराऊंगी। तो दिस इज माय डाइनिंग एरिया, और मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ।
मैं डाइनिंग एरिया के पास बहुत पेशेंट का एरिया क्लीन करने वाली हूँ। तो दिस इज माय जो वॉश बेसिंग एरिया जहाँ से डाइनिंग टेबल है एंड वॉश बेसिन है, यानी कि पानी है जो ठंडा बना हुआ नॉर्मल सकता है, तो इसे मैं क्लीन करूँगी। तो इस वजह से हाथ से आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं नहीं टीम, हो सकता है आपको पूजा भी दिखाऊँ, नॉट श्योर, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी पूजा भी दिखाऊँ और अपने रूम के डस्टिंग में किसी और दिन दिखाऊंगी, और आप लोगों को मेला भी लेके चलना है। सो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, आई थिंक 1 घंटे का हो जाएगा, तो इसको मैं डस्टिंग का प्रोसेस यहीं पर रोकती हूँ और फिर दिखाती हूँ पूजा या फिर मेले का। तो चलिए अभी फिर देखती हूँ कि मेला और पूजा में क्या आपको दिखाना है।
और चाय वाय पी चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लेके आई हूँ। पिशु ने जो थोड़े बहुत खिलौने लिए वहाँ पे लिए, वहाँ पे मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये इयररिंग्स लेके आई हूँ जो 10-20 रुपए की है, और आप यकीन मानिए इतनी अच्छी है, इतनी मुझे पसंद आई, काफ़ी लोगों ने लिया। मैंने 250 की इयररिंग्स ली, मैंने ली, इसमें मेरी नन ने ली, मेरे मामा की बेटी है वो, उसने ली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने ये ऑरेंज कलर की इयररिंग्स ली, एक ये पिंक कलर की, ये भी देख सकते हैं बहुत क्यूट सी है, पहन के मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक मैंने मल्टी कलर की ली, ये ट्रायंगल्स मुझे बनाने आते हैं और इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये मल्टी कलर की थी तो मैंने एक ले लिया। ये ऑरेंज कलर की मैंने एक झुमकी ली है, एक ये पिंक कलर की झुमकी ली है, बहुत सारे लिए, एक ब्लैक कलर की टॉप्स लिए हैं, और एक रेड कलर की ली है। और तो मैं आपको एक ये रेड वाली पहन के दिखाती हूँ, बहुत ही छोटा सा है, एक लोकल मेला जिसे आप कहते हैं वो यहीं पे पास में लगता है, हर कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। आप देख सकते हैं पहनने में कितने क्यूट्स हैं, और ये सिर्फ 10 रुपए के हैं, ये वाला 20 रुपीस का है, और ये 7 रुपए के हैं, और इसमें भी मतलब 250 रुपए में और लोगों ने भी लिया, सबको बहुत पसंद आए, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो अब वीडियो में मैं कभी कभी पहनूंगी, बहुत लाइट वेट है, यानी पहनने में बिल्कुल भी देखिए वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो थोड़े से हैवी होते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं पहन पाती हूँ घर में, तो मैं वैसे भी नहीं पहनती हूँ इयररिंग्स। तो ये अब जाने वाले हैं मेरी कबर्ड में, तो वहाँ पे मैं सारे इयररिंग्स अपने सिक्योर करती हूँ, और किसी दिन आपको टूर करवाऊँगी। इयररिंग्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन जो इधर मैंने रिसेंटली में लिए हैं तो उसका भी टूर आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मैं करवाऊँगी। तो बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हों तो आगे भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों से व्लॉग। तो इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ मैं, तो इस समय टाइम हो रहा है 6:20, और इस वीडियो को मैं एडिट करूंगी और आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूंगी कि मेरी जो फ्रेंड बनारस से आई थी उसने मुझे क्या क्या गिफ्ट किया, काफ़ी अच्छे अच्छे लिप कलर उसने मुझे किए हैं, एमवे के जो एटीट्यूड वाला आता है वो, और मतलब शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए व्लॉग के साथ या फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।